बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं, आप किसी भी बोर्ड के हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके रिजल्ट की बात यहां पर करने वाला हूं कि आपका रिजल्ट जो है कब तक आएगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो ये हमारे देश में जो भी है पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक का थोड़ा चल ही रहा है, अब क्या कर सकते हैं, इसी के साथ हमें जीना है। तो साथ में इसी के साथ हमारा रिजल्ट भी आना रह गया था और उसके लिए यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, कुछ के तो एग्ज़ाम होना ही रह गए थे, तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी उसके लिए गवर्नमेंट सोच रहा है कि कैसे पास करें उन बच्चों को या उनका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएं, पर जिनका हो चुका था वो तो सिर्फ रिजल्ट के लिए सोच रहे हैं। तो रिजल्ट आपका कब आने वाला है वीडियो को एंड तक देखना, यहाँ पर मैं बहुत सारे बोर्ड्स को कवर करने वाला हूँ, जो रह जाता है उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ CBSE बोर्ड की ही, तो CBSE बोर्ड का तो दोस्तों अभी वैसे 12th क्लास का एग्ज़ाम होना रह गया है और 10th क्लास का लगभग सभी सब्जेक्ट्स का हो चुका था, बस यहाँ पर दिल्ली के कुछ इलाकों का जो रह गया था उनका री एग्ज़ाम होना बाकी है, बाकी तो सबका हो चुका था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 12th क्लास की CBSE बोर्ड की, तो दोस्तों उनका अगस्त तक, मेरे को लगता है अगस्त के फर्स्ट वीक तक। अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ तो मे भी मुझे लगता है कि जून के आपको एंड तक देखने को मिल सकता है CBSE बोर्ड में। अब यहाँ पर बात करी जाए यूपी की दोस्तों, उत्तर प्रदेश की, तो यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो यहाँ पर अभी तक जो निकल के आ रही है डेट वो है कि यहाँ पर 27 से 28 जून में आपका रिजल्ट आ सकता है 10वीं और 12वीं का, बिल्कुल एक दो दिन के अंतराल में या फिर एक ही दिन में दोनों का आ सकता है रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो एग्ज़ाम है, इनकी परीक्षा, वो काफ़ी समय रहते हो गई थी, मार्च से पहले हो गया था इनका जो एग्ज़ाम था, तो इस चक्कर में उनको सिर्फ चेकिंग पेंडिंग था, चेकिंग हो चुका है और लगभग रिजल्ट अपने आने की राह में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर दोस्तों, तो पंजाब ने अपने सभी 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को पास कर दिया है, 12th क्लास का उन्होंने बोला है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, और तेलंगाना ने भी यहां पर यही बोल दिया है कि जो दोस्तों पंजाब में हुआ था हम भी वही करेंगे, 10वीं क्लास को पास कर रहे हैं और जो जिनके एग्ज़ाम होने रह गए थे उन सब्जेक्ट्स में और सबको पास कर दिया जाएगा, साथ ही में 12th क्लास का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। 12th को दोस्तों होल्ड पे रखा है, तो उनको अभी उनके एग्ज़ाम शायद हों या फिर कुछ और उनके लिए निकलता है, ऑनलाइन टेस्ट जो भी है उनके लिए अभी उनको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड की CG बोर्ड्स की, तो इसके लिए काफ़ी कमेंट आए थे मेरे को, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी दोस्तों आने ही वाला है, तो आप लोग बस जल्द ही, हो सकता है ये वीडियो आए उस दिन ही आपका रिजल्ट भी आ जाए या फिर आ चुका होगा शायद, मे बी ये वीडियो अपलोड करते करते भी मेरे को एक आध दिन लग जाए तो हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। बाकी दोस्तों जो बोर्ड यहाँ पर अभी रह रहे हैं, अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार ने अपना रिजल्ट दोस्तों निकाल भी दिया था और ऐसे ही बहुत सारे बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है, कुछ का नहीं आया है अभी, बाकियों का मैंने दोस्तों ज़्यादा देखा नहीं है, महाराष्ट्र का, राजस्थान का भी दोस्तों अभी एग्ज़ाम होना रह रहा है, तो राजस्थान बोर्ड ने एडमिट कार्ड निकाल दिया है, जल्दी ही वो 30 तारीख से पहले पहले अपने सभी एग्ज़ाम्स को ख़त्म करवा देगा, हो जाएंगे एग्ज़ाम, उसके बाद वो जल्द से जल्द राजस्थान बोर्ड का भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो अभी इन सभी, ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स का रिजल्ट आना पेंडिंग है, और आपको जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं दोस्तों, बस आप ये समझ लो कि जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका इस जून के एंड तक रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, और जिनका एग्ज़ाम होना रह गया है, अगर क्लास 10th के हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि मे भी शायद आपको पास कर दिया जाए, और अगर आप 12th क्लास के हो तो आपको पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरे जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन्होंने, एक दो ने तो जब अगर पास कर दिया 10th क्लास को, तो मे भी दूसरे स्टेट बोर्ड भी शायद उनको पास कर देंगे, तो 10th क्लास के लिए गुड न्यूज़ है, 12th क्लास के अभी एग्ज़ाम होंगे उनके, उसके बाद पता चलेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अब बाकी जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जून के एंड तक सबका रिजल्ट आ जाएगा, एंड में आपका 12th का भी लगभग आ जाएगा, जिसका पेपर नहीं हुआ उसका पेपर होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा लगभग 15 से 20 दिन के बाद या फिर एक महीने के बाद रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी, तो इसी बात पे एक लाइक कर देना और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूर दूर के सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो जिनको बिना रिजल्ट के बारे में पता चला हो उन तक पहुंच जाए और उनके काम आए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।